Hey lovelies, welcome back to my channel Anupriya Vlogs Online Shopping Review. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन बना सकते हैं. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ग्लास विंडोज, ग्लास डोर्स या फिर कोई भी शीशे का फर्नीचर है या फिर शीशे जो मिरर है उनको किस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं. उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक DIY क्लीनर जो कि ग्लास क्लीनर है और एकदम आपके घर को चकाचक बना देगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम में मिलती रहे और हम ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहे. तो फटाफट से कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. DIY क्लीनर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी और 1 स्कूप चाय पत्ती का, यानी कि 1 टेबलस्पून. इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे और जितना भी चाय पत्ती का एक्सट्रैक्ट होता है वो निकाल लेंगे और इसे एक कटोरी में छानकर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे. जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे. मैंने इसे कटोरी की बजाय इसी में छोड़ दिया था, पैन में ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए. अब ये ठंडा हो गया है तो मैंने इसे स्प्रे बॉटल में डालकर छान लिया है और अब इसी से मैं अपने पूरे घर के शीशे जो है वो क्लीन करने वाली हूँ. आप लोगों ने अगर मेरा हाउस टूर देखा है तो आप लोगों को पता होगा मेरे घर में स्लाइडिंग डोर्स, स्लाइडिंग विंडोज और जो बाहर की बालकनी है उसके ऊपर भी पूरे ग्लास से बनी हुई है. बालकनी की जो रेलिंग है वो भी ग्लास से बनी हुई है. तो मैं इसी क्लीनर की हेल्प से पूरे जो ग्लास की चीज़ें हैं उसे क्लीन करूँगी. अगर आपके घर पे फर्नीचर ऐसा है तो आप उससे भी इसी क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं. पहले मैं सारी डस्ट रिमूव कर दूँगी एक कपड़े की हेल्प से और ड्राई बालकनी के दरवाजे का थोड़ा सा ध्यान रखें. अगर आप बाहर रहे तो आप लॉक हो जाएंगे तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं पुराने मकान में थी तो मैं लॉक हो गई थी. वो तो लकीली मेरी मेड घर पर थी तो मैं बच गई, नहीं तो पूरा टाइम मुझे बालकनी में ही रहना पड़ता और मेरे पास किसी के पास कीज़ भी नहीं थी उस टाइम पे. पुनीत कीज़ भी अपने पास नहीं रखा करते थे. तो अभी चलिए वो एक अलग किस्सा है, फिर किसी दिन बताऊंगी. अभी फ़िलहाल हम क्लीनिंग देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैंने स्प्रे कर लिया है पूरे की पूरी बॉटल को. तो इससे हम पहले जो वाइपर वाला पार्ट है उससे हम सारी की सारी जो स्प्रे है उसे निकाल लेंगे और उसके बाद जो वाइप ऑफ वाला है जिसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है उसे एक बार फिर से मार देंगे ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए. मतलब 3 बार इसको क्लीन करना है. पहले स्प्रे करना है, देन उसके बाद आपको वाइपर वाला पार्ट उसे मारना है और उसके बाद जो कपड़ा लगा हुआ पार्ट है उससे आपको वाइप ऑफ कर देना है. तो आई होप मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे वीडियो देख के. तो आपको इसी तरीके से पूरा प्रोसेस करना है. आप चाहें तो वाइपर और कपड़े की मदद से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये टूल इतना ज़्यादा पसंद है. ये ऑल इन वन टूल है जिससे मैं दरवाज़े भी क्लीन कर सकती हूँ, मैं इससे स्लाइडिंग डोर्स भी क्लीन कर सकती हूँ. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है. ये देखिए मैं इस तरीके से थोड़ा सा ओपन करके रखती हूँ क्योंकि ये बंद हो जाता है और फिर मैं बाहर लॉक हो जाती हूँ. तो आपको वीडियो से समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से इसे क्लीन किया है. अब मैं इसी क्लीनर की हेल्प से जो है अपना टेबल, जो मेरा कांच का टेबल है उसे क्लीन करूँगी. पहले एक कपड़े से इसे डस्ट फ्री कर दूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर DIY क्लीनर से इसे क्लीन कर दूँगी. और एक चीज़ का आपको पता होगा कि मैंने एक DIY क्लीनर और बनाया था वुडन डोर्स और वुडन जो फर्नीचर है उसे क्लीन करने के लिए. आप उससे जो है सनमाइका भी क्लीन कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट करना, वो क्लीनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो अभी फ़िलहाल हम ग्लास फर्नीचर को क्लीन करने का देख सकते हैं.
तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और मैंने नीचे वाला पार्ट भी क्लीन कर दिया है। मुझे ये क्लीनर इतना ज़्यादा पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। 2-3 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और पता है क्या होता है, जब हम घर में मम्मी क्लीनिंग वगैरह कर रही होती है ना, तो उस टाइम पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। जब शादी हो जाती है और जब पूरा घर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप ज़्यादा मेच्योर और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजना। आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी थी इसके ऊपर और पूरा का पूरा मैट भी छपा हुआ था, तो मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। और मैं वैसे भी कंस्ट्रक्टेड एरिया में रहती हूँ, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें चलती रहती है। बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है ये, और एक बार वाइप ऑफ भी मैंने कर दिया है। आपको यही 3 स्टेप करने होते हैं। और आप देखेंगे अब इसी क्लीनर की हेल्प से मैं विंडोज़ भी क्लीन करने वाली हूँ। तो कितना अच्छा क्लीनर है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप कभी यूज़ करते हैं तो। पहले मैं सारी की सारी विंडो को डस्ट फ्री कर दूंगी, रेलिंग को, ग्लासेस को, सबको। और उसके बाद इसी क्लीनर की हेल्प से जो है पूरे के पूरे ग्लास को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आपको बस ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले मिट्टी उतार ले, उसके बाद ये क्लीनर से स्प्रे कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको वाइप ऑफ करना, मतलब वाइपर से सारा पानी निकाल लेना है, और उसके बाद जो कपड़े वाला पार्ट है उससे आपको क्लीन कर लेना है। तो कितने सिंपल स्टेप्स हैं और पूरे घर की आपकी क्लीनिंग हो जाती है। आपको जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसका भी वीडियो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आएगा। तो मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे पूरे दिन में चाहिए होते हैं जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं इसलिए महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ। और अगर आप ग्लासेस वगैरह और ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, तो आपको इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हर महीने करती हूँ, तो मेरी जो ग्लास डोर्स वगैरह होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट हल्का हल्का वाइप ऑफ करो और हो गया। देखिए जैसे ये हो गया अभी, और अभी इससे आपको मैंने बताया था कि मेरे रेलिंग के ऊपर भी सारा का सारा है अच्छे से, मतलब ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, माइक्रोफाइबर ग्लास लगा हुआ है, तो इसे भी मुझे क्लीन करना है, होता है आगे पीछे से। तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि हाथ वगैरह नहीं जाता मेरा, तो मैं बहुत मुश्किल से इसे करती हूँ। इसके लिए भी कोई टूल वगैरह मैं ज़रूर देखूंगी अगर मुझे कोई मिलता है, तो क्योंकि मुझे भी ऑल्टरनेट चाहिए इस चीज़ का। आप देखिए कितना एकदम चकाचक हो गया है, आर पार सब नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से। तो थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए कितना एकदम से अच्छा से चमक चकाचक हो गया है ना। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना। तो फटाफट से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।